हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दूसरा चैप्टर एकदम ख़त्म हो गया है, तो हम उससे रिलेटेड अब अनसॉल्व क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जब इस क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, मान लेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, तो अर्थात माइनस एक्स बराबर साइन वाई। ठीक, तो माइनस को आगे करके साइन को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो ये चीज़ें सिद्ध हो गई। अब वाई की जगह पे साइन इनवर्स माइनस एक्स रख देंगे, अर्थात माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स माइनस एक्स के। ये हो गया आपका। इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12 बटा 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बटे 5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 12 बटा 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बटे 5 बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16। ठीक, अब चूँकि चतुर्थांश के हिसाब से 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे है ये पाई से माइनस है, यानी कि पाई से माइनस ए एस टी सी, यानी कि यहाँ पे आल पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे साइन और कोसाइन पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, अर्थात ये नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात इसकी एंगल नेगेटिव हो जाएगी, अर्थात टेन इनवर्स माइनस 63/16। और यहाँ पे यही जाएगा साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। ठीक, तो उसके बाद अब इन इक्वेशन करेंगे, तो मतलब देखिए पहले साइन इनवर्स 12/13 बराबर वाई मान लेते हैं, अर्थात 12/13 बराबर साइन वाई। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर, चाहे यहाँ पे एक्स मान लें और यहाँ पे मान ले वाई, अर्थात 4/5 बराबर कॉस वाई। जब इस साइड का करना है, तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण, तो 12/13 12 लंब है यानी कि लंब ये होता है, तो ये लंब दिया है और कर्ण दिया है, हमको आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हमको क्या निकालना है, हमारे पास कर्ण है लंब है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंबों का स्क्वायर, अर्थात 169 माइनस 144, अर्थात ये आएगा 25, यानी कि 5 13 12 और ये हो गया 5। ठीक, तो अर्थात अब हमको इन सबों को टेन एक्स में बदलना है, तो टेन के लिए हमको लंब बटा आधार चाहिए, तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब 12 है और आधार 5 है। ठीक, अब यही चीज़ कॉस में करनी है, तो कॉस में दिया रहता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4 और आधार बटा कर्ण अर्थात कर्ण दिया है 5, ये निकालना है। तो यहाँ पे भी हम कर्ण का स्क्वायर से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो 25 में से 16 गया 9 अर्थात 3। ठीक, अर्थात कॉस वाई बराबर 3, तो हमको टेन वाई निकालना है, तो टेन वाई बराबर कितना हो जाएगा, अब टेन वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन वाई बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का क्या है 3/3/4। ठीक, बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक, तो टेन एक्स की वैल्यू दी हुई है 12/5 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ठीक, टेन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 12 48 प्लस 5 15/20
पाँचों बीस माइनस 36 बटे 20 से 20 कट जाएगा, ठीक, अर्थात एक्स प्लस वाई बराबर आएगा टेन इनवर्स, ये क्या है 48 और इसको जोड़ेंगे 63 बाई, अब 36 में से 20 घटा देंगे माइनस 16, अर्थात एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स माइनस 63 बाई 16। तो एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 12/13, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स माइनस 63/60। तो था हैंस प्रूफ्ड 2019 के सिर्फ दो में देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स सिद्ध करना है, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो इसमें सबसे पहले मानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो अर्थात माइनस एक्स बराबर कॉस वाई, ठीक। तो फिर ये हो जाता है एक्स बराबर माइनस कॉस वाई, ठीक। अर्थात अगर हम इसको ये लिखते हैं कॉस पाई माइनस वाई, अर्थात कॉस 180 में से माइनस करोगे तो 180 में सिर्फ यस यानी कि एएचटीसी से साइन और कॉस एक पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव रहेगा, तो अर्थात कॉस पाई माइनस वाई बराबर भी होगा माइनस कॉस वाई, ठीक। तो अर्थात इसको एक लिखा जाता है एक्स बराबर कॉस पाई माइनस वाई, ठीक। तो ये कॉस इधर चला जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, ठीक। अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, अर्थात वाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वाई क्या है, वाई है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अर्थात कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका आंसर। फिर इसी में अगला क्वेश्चन है 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7 बराबर 10 inverse 31/7। तो अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले 2 tan inverse x का फार्मूला लगाएंगे इसमें, जो कि होता है tan inverse 2x/1 - x², ठीक। इसके बाद इसी में फार्मूला लग जाएगा tan inverse x + tan inverse y का, जो कि होता है tan inverse x + y/1 - xy, ठीक। तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला सबसे पहले इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse 2x/1 2x यानी कि 2 × 1/2 / 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस tan inverse 1/7, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan inverse 1/2, तो ये एक का एक तो दोनों चार, अर्थात 4 का 4 - 1 = 3 / 4 प्लस tan inverse 1/60, या फिर इसको लिखा जा सकता है tan inverse 4/3 प्लस tan inverse 1/7। तो इसी में tan inverse को वाई का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है tan inverse x + y - 1 - xy, ठीक। अब इसी में गुणा कर देते हैं 7 * 4 = 28, 3 से गुणा करते हैं 3 * 1 = 3 = 21, ठीक। अब 7 * 21 - 4/21, अर्थात अब 21 से 21 कट जाएगा 28 * 3 = 31 / 21 में से 4 गया 17 tan inverse, तो अर्थात आएगा आंसर tan inverse 31/17, ये है राइट हैंड साइड इट प्रूव्ड। सेट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 4/3 बराबर एक्स, तो कॉस 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर जैसे इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो ये जो है कॉट इनवर्स 4/3 बराबर एक्स, तो 4/3 बराबर कॉट एक्स, ठीक। अब कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - tan²x / 1 tan²x, ये कॉस 2x का एक फॉर्मूला है, ठीक। तो अब इसको हम tan x में बदल देंगे, इसको हम tan x में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो इसको अगर tan x में बदलेंगे तो जस्ट इसी का अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि tan cot का उल्टा होता है, तो अर्थात ये आ जाएगा 3/4। तो फिर इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे cos 2x का मान निकालने के लिए, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर
बटे वन प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 − 3 = 4 × 16 / 1 + 9/16। ठीक, तो सात cos 2x बराबर आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 7/16। अब 16 × 16 = 25, 25/16 कट गया, आएगा आंसर 7/25 ही हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 10 inverse x + 10 inverse y + 10 inverse z = π। तो सिद्ध कीजिए x + y + z = xyz। तो फिर इसमें भी 10 inverse x + 10 inverse y का फॉर्म लगाएंगे, फिर आगे फिर गुणा करेंगे। तो पहले इसमें गुणा करते हैं 10 inverse x + 10 inverse y का, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 inverse x + y / 1 − xy, फिर प्लस 10 inverse z रहेगा। ठीक, फिर इन्हें इसका गुणा इसमें भी कर देंगे, इसी का मतलब 10 inverse x, इसको आप 10 inverse x मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, तो इसमें भी ये, क्योंकि ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है और ये वाई है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इन, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 inverse पूरा एक्स है प्लस जेड प्लस वाई बटे 1 − xy। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 − x + y इंटू, इसको इसी तरीके भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 − xyz ना। अब 10π की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y + z − xyz। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, जो नीचे था इस साइड गया वो भी 0 हो गया, तो यानी कि अब आ गया x + y + z = xyz, हैंस प्रूव्ड। अब इसी में एक क्वेश्चन है, sin inverse 12/13 प्लस cos inverse 4/5 प्लस 10 inverse 63/16 = π, जो कि अभी इसी वीडियो में चौथा क्वेश्चन भी यही आया था, मतलब कि दूसरे सेट का दूसरा क्वेश्चन भी यही था, तो उसको देखें।